नमस्कार साथियों, विस्टम स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज विलोम शब्द की नवी क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, तो सभी लोग पेन पेपर लेकर आ जाएं और जो भी आपको लिखना है इम्पोर्टेंट नोट्स, वो साथ साथ में लिखते हुए चलें। तो बताइए, सबसे पहले आवाहन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, हमारी क्लास तो जो है ना, दोनों तरफ से बातचीत का मसला है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के आवाहन का क्या अर्थ है, इसका विलोम शब्द क्या है। तो आवाहन का क्या अर्थ है? आवाहन का मतलब होता है किसी को बुलाना, किसी को आवाज़ देना, किसी को मानसिक रूप से बुलाना। ठीक है, यज्ञ में देवताओं का आवाहन किया जाता है। ठीक, विसर्जन का मतलब होता है जिस तरीके से आपने देखा हो गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है, तो आवाहन का विसर्जन। ठीक, ऊषा, सुबह का समय जो होता है जब सूर्य निकलता है, ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, तो उस स्थिति में उस समय को ऊषा काल कहते हैं। और इसके जस्ट विपोजिट शाम का समय जब सूर्यास्त होने को होता है, सूरज डूबने की स्थिति में होता है, तो उसे संध्या कहते हैं। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ के फेंकना, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा रोपण करना। ठीक है, किसी कोई बीज को मिट्टी में डालना जिससे कि वो आगे चल के पौधा बन सके। आगामी मतलब आने वाला और विगत मतलब बीत गया। ठीक है, आगामी मतलब आने वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आगामी का अर्थ होता है आने वाला, जो भी आया नहीं है, ठीक है, आएगा भविष्य में। और विगत का मतलब जो हो चुका है। ठीक है, जैसे कहा था विगत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था कुछ कमजोर हुई, इस तरह से। आगे देखिए, जागरण, जागरण का मतलब है कि व्यक्ति सोया नहीं है, रात भर जागा है। जागरण सुना होगा आपने, जब जब माता का जगराता होता है तो रात भर जगना पड़ता है, तो उसको जागरण बोलते हैं। और इसका जस्ट विलोम शब्द हो जाएगा निद्रा, जहाँ पर नींद हो, जहाँ पर आप शयन कक्ष में हो, सो रहे हैं। उपेक्षा का मतलब इग्नोर होता है, मतलब किसी पर ध्यान ना देना, उसका जस्ट अपोजिट होता है अपेक्षा, कि सामने वाला ध्यान दे। अर्श का मतलब है क्या? आसमान, आसमान, बिल्कुल। आपने एक कहावत सुनी होगी, अर्श से फर्श पर, या फर्श से अर्श तक जाने का सफ़र, या अर्श से फर्श तक आने का सफ़र। तो आसमान से ज़मीन, अर्श का मतलब है आसमान, तो ज़मीन में का सिनोनिम हो जाएगा फर्श, तो इसलिए यहाँ पर अर्श से फर्श। आलसी व्यक्ति कार्य नहीं करता है, कर्मठ नहीं होता, कर्म नहीं करता है। आलसी व्यक्ति अपना कार्य नहीं करता है, कर्म नहीं करता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति, जो अपना कर्म करे, जो अपना कार्य करे, वो कर्मठ होगा। तो आलसी का विलोम शब्द हो जाएगा कर्मठ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उर्वर, उर्वर वह भूमि होती है जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि यदि कोई बीज उसके अंदर डाला जाए, कोई फसल बोई जाए, तो वह फसल, वो धरती जो है, वो जगह है, उस फसल को उगने में समर्थ दे। समर्थ मतलब यह है कि उसको उगाए, ठीक है, वहाँ पे उतने न्यूट्रिएंट्स हों। तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल बहुत फर्टाइल है तो वो उर्वर है, ठीक है, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो वो बंजर है। क्लियर है? तो इसीलिए इसका अपोजिट हो जाएगा बंजर, जहाँ पे ऐसा लैंड जो नॉन फर्टाइल है तो बंजर हो जाएगा। नख का मतलब नील से है, नाखून, ठीक है, और नख का अपोजिट हो जाएगा शिख, ठीक है, नख का क्या हो जाएगा शिख, शिख का मतलब शिखा। आनंद, आनंद व्यक्ति अपने मन से बहुत खुश होता है, उसको जो है ना, उसको भौतिक चीज़ों से आनंद, वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा खुश है। आंतरिक रूप से खुश होने का मतलब यह है कि शायद उसको सत्य की खोज हो गई, इस तरह से वो व्यक्ति आनंदित रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको आपकी मनमानी चीज़ मिल जाए तो आप सुखी रहेंगे, भौतिक चीज़ें आपको सुख प्रदान करती हैं, जबकि आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो आनंदित होता है, और भौतिकता से सराबोर व्यक्ति सुखी होता है। जैसे आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ हैं, तो आप सुखी हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एसी कमरे में बैठकर भी आप प्रसन्न रहें, आप वहाँ पर भी जो है दुखी रह सकते हैं, वहाँ पर भी आपका मन उदास हो सकता है, तो वो आप सुख और दुख की स्थिति में आप आनंदित नहीं। आनंदित में आप कुटिया में भी बैठे हुए हैं तब भी आपको मज़ा आएगा,
प्रसन्न रहेंगे, तो वो आनंद की और सुख की स्थिति है। सुख में जब बहुत ऊपर की स्थिति है आनंद की, तो सुख उसमें बहुत कम पे आता है, ठीक है। तो सुखी होना आसान है, आनंदित होना मुश्किल काम है, ठीक। क्योंकि सुख, जैसे सुख सुविधाएं हट जाएंगी आपको दुख महसूस होने लगेगा। आनंद जब व्यक्ति फील करता है तो उसे कोई सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं हट जाए तब भी वो आनंदित ही रहता है। इसीलिए इसका विलोम शब्द होगा विषाद, जब व्यक्ति मानसिक रूप से शोकस्त हो जाए। जैसे कि जब कोई व्यक्ति किसी का कोई बहुत करीबी चला जाए तो वो विषाद की स्थिति में रहता है। आज़ादी, आज़ादी क्या होती है? शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक हर तरीके से संसाधनों को यूज़ करने की स्वतंत्रता, अपनी बौद्धिक क्षमता दिखाने की स्वतंत्रता, आज़ादी है। और वहीं इसका विलोम शब्द आज़ादी का हो जाएगा गुलामी, ठीक है। नेक्स्ट, आहार मतलब भोजन, और बिना भोजन के निराहार। जब आप व्रत रहते हैं तो क्या होते हैं? निराहार होते हैं, या फलाहारी, फल वाला व्रत होता है। एक होता है बिना फल वाला व्रत, एक होता है कुछ ना खाने वाला व्रत। तो आहार मतलब भोजन और निराहार मतलब बिना भोजन के। आयात, जब हम बाहर से दूसरे देश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो आयात, और जब हम दूसरे देश वस्तु भेजते हैं बेचने के लिए, व्यापार के लिए, तो उसे निर्यात कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के ये दो शब्द हैं, आयात और निर्यात, ठीक। अमावस्या, जब अब्सेंस ऑफ मून, जहाँ पे चंद्रमा की अनुपस्थिति है, पूरी तरह से चंद्रमा है ही नहीं, तो उसकी अपोजिट स्थिति होती है जब चंद्रमा पूर्ण अवस्था में हो, तो पूर्णिमा। अनुराग, जब किसी से के प्रति प्रेम होता है तो आप अनुराग रख सकते हैं। प्रेम की स्थिति जो है वो अनुराग है, जबकि अगर किसी से आपको प्रेम नहीं है तो वो विराग है। प्रेम का मतलब जो है यहाँ पे, जैसे किसी को पसंद करते हो, किसी बच्चे से आपकी सहानुभूति होती हो, उससे आप उससे ईर्ष्या ना करते हो, इस तरह से अनुराग मतलब कि एक सिंपल नॉर्मल एक तरीके से पसंद होता है, बात करना अच्छा लगता है, इस तरह भाई बहन सभी से अनुराग हो सकता है, ठीक है। विराग में आपका उससे बात करने का मन ही नहीं करता, शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, आप उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, विराग है, ठीक। लास्ट स्लाइड है अग्नि, अग्नि का क्या होगा? पानी या जल या वारी, तो अग्नि का होता है जल। जब आग आ जाएगी तो आग का हो जाएगा पानी। अरुचि के साथ, जब आपकी किसी कार्य में रुचि नहीं है, आपकी रुचि इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो अरुचि है। और जब आप रुचि के साथ हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट है उसमें, तो सुरुचि है, क्लियर है। आस्तिक, ईश्वर पे विश्वास आस्तिकता का प्रमाण है। ईश्वर किसी भी रूप में हो, आप किसी भी चीज़ को ईश्वर माने, जैसे मान लीजिए आप अपने पेन को ही ईश्वर मान लें, आस्तिकता है कि ये पेन ही ईश्वर है, तो आस्तिक है कि आप मानते हैं कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, और उसको हम ईश्वर नाम दे दें, कोई नाम दे दें, नाम तो आप ही दे सकते हो, ठीक है, तो नाम आप कोई भी दे दें, लेकिन आप ये मानते हो कि कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही है, आपका ईश्वर में विश्वास है, तो आस्तिकता। और जब आपका किसी प्रकार ईश्वर में विश्वास नहीं है तो आप नास्तिकता की ओर हैं, ठीक है, नास्तिक है मतलब किसी ईश्वर को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं, ठीक है। आय का व्यय, क्लियर है, आय का मतलब होता है पैसे का आना, ठीक है, धन का आना, इनकम होना, पैसा आना मतलब पैसा आपके पास आएगा, और व्यय में क्या होगा? पैसा जाएगा, पैसा खर्च होगा, ठीक है, तो आय का व्यय, ठीक। तो यहाँ पे आपकी जो नवी क्लास है वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, आपका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमें इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।